आमिर खान को चंडीगढ़ के एक कोर्ट से आया लीगल नोटिस। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आमिर खान को ये नोटिस उनकी फिल्म पीके की वजह से आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आमिर खान को ये नोटिस उनके टेलीविजन शो की वजह से आया है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की माने तो चंडीगढ़ बेस्ड एक लॉयर ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हुए कहा कि आमिर खान ने अपने टेलीविजन शो पर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया है। इस लॉयर का आरोप है कि आमिर खान ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 377 पर आए फैसले की अवमानना की है। इस मामले में कोर्ट ने आमिर के खिलाफ इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें 19 दिसंबर तक लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। हम आपको बता दें कि आमिर खान ने अपने शो पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया था। आमिर खान ने दिखाया था कैसे इस कम्युनिटी को हैरस किया जाता है। आमिर खान का इंटेंशन इस शो में सिर्फ इस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को बाहर लाना था, क्योंकि जनरली कोई भी इस इश्यू पर बात नहीं करना चाहता। आमिर खान के इस ब्रेव डिसीजन की काफी तारीफ भी की गई है, लेकिन अब ये मामला लीगल रूप ले चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि आमिर खान इस पूरे मामले में खुद को किस तरह डिफेंड करते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई।